दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डैमेज बाल को किस तरह से प्रिपेयर करें। जिन लोगों के बाल काफ़ी ड्राई हो गए, काफ़ी पतले दिखाई देते हैं और काफ़ी डेंड्रफ की प्रॉब्लम है उनके हेयर में, तो सभी तरीकों के लिए काम में आने वाला है ये हेयर मास्क। तो इसे किस तरह से बनाना है, ये सभी चीज़ों की जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, और आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो में मैं छोटा सा लाइक का टारगेट रख रहा हूँ 1000, जो आपको पूरा करवा देना है क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। हेयर स्मूथनिंग मास्क बनाने के लिए, डैमेज प्रिपेयर हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावल की ज़रूरत पड़ेगी। चावल आपको पिसा हुआ लेना है। अगर आपके पास पिसा हुआ चावल ना हो, चावल का आटा ना हो, तो आपको उसको मिक्सर में पीस लेना अच्छे से। ध्यान रखें कि दम बिल्कुल बारीकी से पिसा होना चाहिए, जरा भी दरदरा ना हो। इस राइस फ्लोर के अंदर यानी कि चावल के आटे के अंदर काफ़ी अमीनो एसिड हाई अमाउंट में पाए गए और मिनरल्स भी बहुत ही होते हैं, जो स्कैल्प को काफ़ी हेल्दी रखने का काम करते हैं। और एक और बहुत ही अच्छी बात है इस राइस फ्लोर के अंदर कि ब्लड सर्कुलेशन का भी काम करेगी, यानी जिन लोगों को ब्लड सर्कुलेशन नहीं आता है इनकी स्कैल्प पर, तो उसको भी बरकरार रखेगी और हेयर ग्रोथ भी बढ़ाएगी। तो सबसे पहले हमें छोटे से बाउल के अंदर राइस के आटे को निकाल लेना है। और अब दूसरी चीज़ चाहिए हमें एग। दोस्तों एग को कई लोग को किस तरह से इस्तेमाल करना है वो नहीं आता, तो हमें एग को किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको बता दूं। अगर आपके हेयर नॉर्मली वेवी है तो आप सिर्फ एक वाइट यूज़ करिए। अगर आपके हेयर बहुत ही कर्ली है तो आपको पूरा होल एग यानी कि पूरा योल्क भी लेना है और एक वाइट भी लेना है, पूरा एग को आपको यूज़ करना है। और दोस्तों अगर आपके हेयर की लेंथ बहुत ही ज़्यादा है तो आप दो एग्स का भी यूज़ कर सकते हो। होल एग्स की बात करें तो ये हमारे हेयर को स्ट्रेंथ देने में, डैमेज हेयर को प्रिपेयर करने में, और जिन लोगों के हेयर काफ़ी थीन हो गए उनको जाड़ा करने में काफ़ी हेल्प करता है। और जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेयर ब्रेकेजिंग की प्रॉब्लम हो गई है, काफ़ी ड्राई हेयर होने लग गए, तो उनको भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके स्मूथ बनाएगा। तो हमें एक बाउल के अंदर राइस के आटे को ले लेना है और प्लस उसके अंदर हमें एक अंडे को यूज़ करना है, पूरा होल एग ही यूज़ करना है। अब हमें हेयर स्मूथनिंग डैमेज प्रिपेयर हेयर मास्क तैयार करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ करनी है, वो है हनी। दोस्तों जिन लोगों के हेयर बहुत ही कर्ली या वेवी हेयर रहते हैं उनको हेयर ब्रेकेजिंग की प्रॉब्लम बहुत रहती है, जिससे उनके हेयर काफ़ी डल दिखते और काफ़ी बेकार से लगते हैं। तो ये हनी काफ़ी अच्छा कंडीशनिंग देने का काम करती है, बालों के अंदर काफ़ी अच्छे से कंडीशनिंग देगी और हेयर ब्रेकेजिंग को बिल्कुल कम कर देगी और हेयर में एक स्मूथनिंग इफेक्ट देती है। और हनी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ही ज़्यादा पाया गया है, जो हेयर ग्रोथ को काफ़ी प्रमोट करता है। तो हनी हेयर को स्मूथ, सिल्की और शाइनी बनाने के साथ ही साथ हेयर ग्रोथ और हेयर लॉस के लिए भी काफ़ी काम में आने वाला है। तो हनी को भी हमें 1 से 2 चम्मच को इस मास्क के अंदर ऐड कर लेना और तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों अच्छे से एक पूरी रेमेडीज मिक्स हो जाए तभी इसको यूज़ में लेना। इसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले हमें शैम्पू कर लेना है। और आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, शैम्पू करने के बाद आपको कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा बालों को 50% सुखा लेना है और उसके बाद ही इस रेमेडीज़ को जो मैंने बताया, इस मास्क को आपको पूरे बालों में लगाने का, स्कैल्प से लेकर पूरे हेयर की लेंथ तक लगाना है। इस स्मूथनिंग मास्क को आपको कम से कम 30 मिनट और मैक्सिमम 1 से 2 घंटे तक आपको बालों में लगाए रखना है। और जिन लोगों के हेयर बहुत ही कर लिए तो उनको वीक में 2 से 3 बार इस मास्क को यूज़ करना है, और जिन लोगों को नॉर्मल वेवी है तो वो वीक में 1 बार भी इसको यूज़ में ले सकते हैं। और दोस्तों एक और डाउट मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर जिन लोगों के बहुत ही कर्ली और डैमेज हेयर है तो उनके डैमेज हेयर तो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर देगा ये हेयर मास्क, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं करेगा दोस्तों, सिर्फ स्मूथ बनाता है हेयर को। कई लोग यूँ ना समझे कि बिल्कुल स्ट्रेट बना देगा, तो सिर्फ हेयर के ब्रेकेजिंग को प्रॉब्लम को सोल्व करके हेयर को स्मूथ शाइनी बनाता है, ना कि स्ट्रेट करता है।